बच्चों एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम अध्याय दो, कौन सा अध्याय दो, सूर्यराशि, अध्याय दो सूर्यराशि के बारे में हमने उनका व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व हमने पढ़ा था, उनका साहित्यिक पीछे हमने जाना था। और उस वीडियो में मैंने आपको एक विशेष बात बताई थी कि जो भी सूर्यराशि के पद हैं वो वर्गीकृत सार से लिए गए हैं, जिसमें श्री कृष्ण, गोपियां और उद्धव, यानी कि इसमें गोपियों और उद्धव के मध्य जो आपसी संवाद है उसको लेकर कुछ पद दिए गए हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। यहां पर सबसे पहला पद है, सबसे पहला पद अगर जाने तो हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन बच करम नंद नंदन सुयु दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत सपने सो तुमक कहने कहने चकरी सुनती जोग लगत ऐसो अरी ज्यो करोई ककरी सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी यह तो सूर्य तिन्हें ले दीजे जिनके मन चकरी। यानी कि यहाँ पर गोपियां किसे कहती है, उद्धव से। गोपियां किनसे कहेगी, उद्धव से कहेंगी, किनसे कहेंगी, उद्धव से कहेंगी। गोपियां उद्धव से अर्थात प्रस्तुत पद्यांश में गोपियां उद्धव से कहती है कि हमारे हरि, हरि यानी श्री कृष्ण, इसके लिए आया है श्री कृष्ण के लिए, हमारे हरि हमारे श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी यानी लकड़ी, लकड़ी यानी लकड़ी, यानी हारिल एक पक्षी होता है। हारिल क्या होता है, एक पक्षी होता है जो हमेशा अपने पंजों में एक तिनके को दबाए रहता है, कभी छोड़ता नहीं है। उसी प्रकार से गोपियां कहती है कि हमारे हरि हमारे प्रियतम श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। यानी हारिल पक्षी क्या होता है, हारिल एक पक्षी होता है जो एक तिनके को हमेशा अपने पंजे में दबाए रखता है, उसे कभी अपने से अलग नहीं होने देता। उसी प्रकार गोपियां हारिल पक्षी को माध्यम बनाकर कह रही है कि हमारे हरि हमारे प्रियतम श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, जो मन मन से बच्चे वचन से, मन मन से बच्चे वचन से क्रम कार्य से नंद नंदन यानी श्री कृष्ण नंद नंदन श्री कृष्ण सो हुए हृदय और यानी हृदय यह दृढ़ बड़ी दृढ़ता से, दृढ़ दृढ़ता से करी यानी कसकर, करी यानी कसकर पकड़ी यानी पकड़ रखा है, पकड़ी यानी पकड़ रखा है। यानी कि गोपियां उद्धव से कहती है हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे प्रियतम श्री कृष्ण हारिल की हारिल पक्षी की लकड़ी के सम्मान है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी एक तिनके को हमेशा अपने पंजे में दबाए रखता है, उसी प्रकार हम भी अपने मन से अपने वचन से अपने कार्य से नंद नंदन श्री कृष्ण को पूरे अपने हृदय में दृढ़ करी पकड़ी बड़ी दृढ़ता के साथ में कस करे पकड़ रखा है, बड़ी दृढ़ता के साथ में हमने कस करे पकड़ रखा है। जागते जागते हुए सोते सोते हुए सपने सौपन में सौंतुके प्रत्यक्ष रूप से, सौंतुके प्रत्यक्ष रूप से कहने कहने कर्षण कर्षण कहने कहने कर्षण कर्षण की जकरी रट लगाए रहती है। जकरी का अर्थ होता है रट, यानी कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव हमारे हरि हमारे प्रियतम श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी एक तिनके को हमेशा अपने पंजे में दबाए रखता है, उसी प्रकार हम भी अपने मन मन से बचे वचन से क्रम कार्य से नंद नंदन श्री कृष्ण को पूरे अपने हृदय में दृढ़ करी पकड़ी बड़ी दृढ़ता से कस करे पकड़ रखा है। जागते जागते हुए सोवते सोते हुए सपने सौपन में सौतु के प्रत्यक्ष रूप से कहने कहने जकरी हमेशा हम कर्षण कर्षण की रट लगाए रहती है। लेकिन सुनत ही हमने सुना है, हे उद्धव हमने सुना है जोग आपका ये योग रूपी रोग, जोग योग रूपी रोग, योग रूपी रोग लगत ऐसो अली, अली यानी उद्धव, अली यानी उद्धव, यानी कि हे उद्धव आपका ये हमने सुना
सुनति जोग लगत ऐसो अली कि हे उद्धव हमने सुना कि आपका ये योग रूपी रोग हमें ऐसा लगा जो जैसे करवी ककड़ी ककड़ी जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। सोई व्याधि हमें ले आए अतः तुम व्याधि यानी रोग सोई व्याधि हमें ले आए अतः हे उद्धव ये योग रूपी रोग तुम कहां से लेकर आ गए। देखी न सुनी न करी हमने इसके बारे में न कभी सुना न इस रोग को हमने कभी देखा। अतः गोपिया कहती है यह तो सूरत इन्हें दीजिए अतः हे उद्धव ये योग रूपी रोग आप उन्हें ले जाकर दीजिए जिनके मन चक्री यानी अस्थिर रहते हो जिनके मन क्या रहते हो अस्थिर रहते हो ये योग रूपी रोग ले जाकर आप उन्हें प्रदान कीजिए। यानी कि यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश क्या है हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन बच क्रम नंद नंदन सुयु दर्ड करी पकरी जागत सोवत सपने सोतुक कहने कहने जकरी सुनति जोग लगत ऐसो अली जू करुई कतरी सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी यह तो सूरत इन्हें न दीजिए जिनके मने चकरी। यानी कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपिया उद्धव से कहती है कि हे उद्धव हमारे हरि हारिल की लकड़ी हमारे प्रियतम जो श्री कृष्ण है वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी एक तिनके को हमेशा अपने पंजे में दबाए रखता है उसी प्रकार हम भी अपने मन से बच यानी वचन से क्रम यानी कार्य से नंद नंदन यानी श्री कृष्ण को और यानी हृदय में दृढ़ करी पकड़ी बड़ी दृढ़ता से कस करे पकड़ रखा है। जागत यानी जागते हुए सोवत यानी सोते हुए सपने यानी सौपन में सोतुक यानी प्रत्यक्ष रूप से काने काने यानी कर्षण कर्षण की हमेशा जकरी यानी रट लगाए रहती है। लेकिन सुनति जोग लगत ऐसो अली हे उद्धव आज हमने सुना कि आप ये योग रूपी रोग कहां से लेकर आ गए और ये योग रूपी रोग हमें ऐसा लगा ज्यों करू ककड़ी जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा लिए। सोई व्याधि हमें ले आए अतः ये योग रूपी रोग तुम कहां से लेकर आ गए। देखी सुनी न करी न हमने इसके बारे में कभी देखा न इसके बारे में सुना यह तो सूरत इन्हें न दीजिए। अतः सूरदास जी कहते हैं ये योग रूपी रोग आप उन्हें ले जाकर दीजिए जिनके मन चक्री जिनके मन हमेशा अस्थिर रहते हो। अर्थात गोपिया कहती है हमारा मन तो हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के प्रेम रंग में डूबा हुआ है। अर्थात इसका साधारण अर्थ आपको ऐसे करना है गोपिया उद्धव से कहती है कि उद्धव हमारे प्रियतम श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी एक तिनके को हमेशा अपने पंजे में दबाए रखता है उसी प्रकार हम भी अपने मन से वचन से कार्य से श्री कृष्ण को बड़ी दृढ़ता से अपने हृदय में कस करे पकड़ रखा है। जागते हुए सोते हुए सपने में प्रत्यक्ष रूप से हम हमेशा कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहती है। लेकिन हे उद्धव आज आपका ये योग रूपी रोग हमें ऐसा लगा जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। अतः ये योग रूपी रोग तुम कहां से लेकर आ गए इसके बारे में हमने कभी न देखा न कभी सुना। अतः गोपिया उद्धव से कहती है कि हे उद्धव ये योग रूपी रोग आप उन्हें ले जाकर दीजिए जिनके मन क्या रहते हो अस्थिर रहते हो। अर्थात हमारा मन तो है हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के प्रेम रंग में रंगा हुआ है। हमने सूरदास जी का सबसे पहला पद पढ़ा। इसके बाद में सूरदास जी का जो दूसरा पद है कौन सा पद है दूसरा पद इसमें भी गोपिया किससे कहती है उद्धव से कहती है कि हम तो दोहूं बाती फल पायो जो ब्रज नात मिली तो नीको नात्रु जग जस गायो कहवे गोकुल की गोपी सब बरन हीन लगु जाती कहवे कमला के स्वामी संग मिली बेटे कपाती निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते बेगोश निवासी ता ऊपर अब सांच कहो दो मुक्ति को उनकी दासी जोग कथा पा लागो उदो ना कहूं बारंबार सूर्य श्याम तजी और बजे तो ताकि जननी छा। ये पद है सूरदास का दूसरा जिसमें गोपिया उद्धव से क्या कहती है सुनो गोपिया अर्थात आप तो कहोगे इसमें गोपिया उद्धव से कहती है प्रस्तुत पद्यांश में गोपिया उद्धव से कहती है हम तो हमने तो दोनों प्रकार से फल पायो यानी फल प्राप्त किया है कि हे उद्धव हमने तो दोनों प्रकार से फल प्राप्त किया है। जो ब्रजनाथ यानी श्री कृष्ण ब्रजनाथ किसके बारे में कहा गया है श्री कृष्ण जो ब्रजनाथ मिले अगर हमें श्री कृष्ण मिलते हैं उनकी प्राप्ति होती है
तो निको, निको का अर्थ होता है अच्छा, निको का अर्थ क्या होता है अच्छा। अगर हमें स्त्री कर्षण मिलते हैं, उनकी प्राप्ति होती है तो बड़ी अच्छी बात है। नात्रु यानी नहीं तो, नात्रु यानी नहीं तो, नात्रु का अर्थ क्या होता है नहीं तो। जग यानी संसार, जग यानी संसार। जस यानी यशोगा, जस का अर्थ क्या होता है यशोगा। हम तो दोनों बातें फल पायो, गोपिया उद्धव से कहती है कि हमने तो दोनों प्रकार से फल प्राप्त किया है। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, अगर हमें हमारे प्रियतम श्री कृष्ण मिलते हैं तो अच्छी बात है। नात्रु नहीं तो, जग जस गायो, इस संसार में उनका यशोगान करने का सु अवसर तो हमें प्राप्त होगा। कहवे गोकुल की गोपी, कहते हैं, कहवे कहते हैं, कहवे कहते हैं गोकुल की गोपी, अरे हम तो उस गोकुल गांव की वो गोपियां हैं जो सब वर्णहीन, वर्णहीन का अर्थ होता है हीन वर्ण वाली, वर्णहीन हीन वर्ण, और लघु का अर्थ होता है छोटी। यानी कि कहते हैं गोकुल की गोपी, अरे कहते हैं हम तो उस गोकुल गांव की वो गोपियां हैं जो सब हीन वर्ण और छोटी जाति की हैं, बल्कि स्त्री कृष्ण तो कुछ कोटि के हैं या कुछ कुल के हैं। श्री कृष्ण तो कुछ कुल के हैं, हम तो छोटी जाति की हैं। कहवे कमला के स्वामी, कमला यानी माता लक्ष्मी, माता लक्ष्मी कौन है, माता लक्ष्मी। कमला किसके लिए आया है, माता लक्ष्मी। कहवे कमला के स्वामी, कहते हैं वे माता लक्ष्मी के पति संग मिली बेटी पाती, हमेशा एक पंक्ति में उनके साथ में बैठे हुए दिखाई देते हैं, हमेशा उनके साथ में एक पंक्ति में बैठे रहते हैं। अरे ऐसे भगवान श्री कृष्ण को निगम ध्यान, निगम ध्यान का अर्थ होता है वेदों के ज्ञाता, निगम ध्यान वेदों के ज्ञाता, मुनि ज्ञान मुनियों में श्रेष्ठ, मुनि ज्ञान मुनियों में श्रेष्ठ, मुनि ज्ञान मुनियों में श्रेष्ठ, अगोचरे अज्ञात, अगोचरे अज्ञात व्यक्ति जिनको नहीं पहचान सके ते वे घोष निवासी इस गवालों की बस्ती में आकर कैसे रहने लग गए, गवालों की बस्ती में कैसे आकर रहने लग गए। ता ऊपर अतः इस बात पर अब सांच यानी सत्य, सांच यानी सत्य, एक बात कहो दो मुक्ति को उनकी दासी, कि ये मुक्ति कभी किसी की दासी होती है क्या। अतः हे उद्धव जोग कथा, योग रूपी कथा, जोग कथा योग रूपी कथा, जोग कथा योग रूपी कथा, पा लागो हम तुम्हारे पैर लगती है, ना कहूं बारंबार आप हमें बार बार ना कहे। अतः सूर्य श्याम तजी, अतः सूरदास जी कहते हैं श्याम श्री कृष्ण, श्याम श्री कृष्ण, तजी यानी त्याग करें, तजी यानी त्याग करें, और बजे और किसी का जो भजन करता है, और किसी का क्या करता है भजन करता है, ताकि वो अपनी या उसकी मात जननी यानी माता के चार यानी दूध को क्या कर देता है लज्जित कर देता है, क्या कर देता है लज्जित कर देता है। ध्यान से देखो इस पद को, गोपिया उद्धव से क्या कहती है कि हम तो दोनों बाती फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको नात्रु जग जस गायो, कहवे गोकुल की गोपी सब ब्रजहीन लघु जाति, कहवे कमला की स्वामी संग मिली बेटी के पाती, हरि निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते वे घोष निवासी, ता ऊपर अब साच कहो तो मुक्ति कौन की दासी, जोग कथा पा लागो दो ना कहूं बारंबार, सूर्य श्याम तजी और बजे तो चाके जननी छा। अर्थात गोपिया उद्धव से कहती है हम तो दोहूं बाती फल पायो, कि उद्धव हमने तो दोहूं बाती दोनों प्रकार से फल प्राप्त किया है। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, अगर हमें स्त्री कर्षण मिलते हैं उनकी प्राप्ति होती है तो बड़ी अच्छी बात है। नात्रु जग जस गायो, नहीं तो इस संसार में उनका यशोगान करने का सौभाग्य तो हमें प्राप्त होगा। कहवे गोकुल की गोपी, कहते हैं हम तो उस गोकुल गांव की वो गोपियां हैं जो सब वर्णहीन हीन वर्ण की लघु जाति और छोटी
जाति की है, बल्कि श्री कृष्ण तो उच्च कुल के हैं। कह वे कमला के स्वामी, कहते हैं वे माता लक्ष्मी के पति, संग मिली बेटी पाती, हमेशा एक पंक्ति में माता लक्ष्मी के साथ में बैठे हुए दिखाई देते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को निगम ध्यान, वेदों की ज्ञाता, मुनि ज्ञान, मुनियों में श्रेष्ठ, अगोचर अज्ञात व्यक्ति जिनको नहीं पहचान सके, ते वे घोष निवासी, वो आज इस गवालों की बस्ती में आकर कैसे रहने लग गए, ता ऊपर अब साँच कहो। अतः इस बात पर हे उद्धव, हमें एक सत्य बात कहिए, दो मुक्ति को उनकी की दासी, कि ये मुक्ति कभी किसी की दासी होती है क्या? अतः हे उद्धव, जोग कथा पालागो, हम तुम्हारे पैर लगती है इस योग रूपी कथा को, ना कहूं बारंबार, आप हमें बार बार ना कहें। सूर्य श्याम तजी, अतः सूरदास जी कहते हैं, जो श्री कृष्ण को त्याग कर और बजे और किसी का भजन करता है, ताकि जननी चार वह उसकी माता के दूध को क्या कर देता है, लज्जित कर देता है। अर्थात इसका अर्थ ऐसे करेंगे, गोपिया उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमने तो दोनों प्रकार से फल प्राप्त किया है, अगर हमारे प्रियतम श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम इस संसार में उनका यशोदान करने का सौभाग्य तो हमें प्राप्त होगा। कहते हैं, हम तो उस गोकुल गांव की वो गोपियां हैं जो सभी हीन वर्ण की और छोटी जाति के हैं, बल्कि श्री कृष्ण तो उच्च कुल के हैं। कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो माता लक्ष्मी के पति हैं, हमेशा माता लक्ष्मी के साथ में पंक्ति में बैठे हुए दिखाई देते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को वेदों की ज्ञाता, मुनियों में श्रेष्ठ, अज्ञात व्यक्ति नहीं पहचान सकते, वे आज ग्वालों की बस्ती में आकर कैसे रहने लग गए। ता ऊपर अवतह है हे उद्धव, इस बात पर आप एक हमें सत्य बात कहिए, कि ये मुक्ति कभी किसी की दासी होती है क्या? हे उद्धव, हम तुम्हारे पैर लगती है इस योग रूपी कथा को, आप हमें बार बार ना सुनाइए। अतः सूरदास जी कहते हैं, जो श्री कृष्ण को त्याग कर और किसी का भजन करता है, वह अपनी माता के दूध को क्या कर देता है, लज्जित कर देता है। आज के वीडियो में हमने सूरदास के दो पद पढ़े, इन दो पदों के बाद में जो आगे आने वाले पद हैं उनके बारे में हमारा जो अगला नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।